जैसे हम जानते हैं प्रभु इंतजार कर रहा है बादलों में, और दुल्हन रूपी कलीसिया और वो आएंगे, और इस समय हम खड़े रहेंगे, उनका स्वागत करेंगे। के नाम से मैं मंगल कच्छप से पूछता हूं, क्या आपके बीच या विवाह ना हो ऐसा कोई सही कारण है? परमेश्वर जो सब रहस्य जानता है, उस प्रभु की उपस्थिति में कोई भी बात छिप नहीं सकती, और एक दिन हमें सब बातों के लिए हिसाब देना होगा। आप प्रभु की उपस्थिति में शांत रखकर अपने हृदय को प्रार्थना पूर्वक जांचें। मधु से नीतू कच्छप, सबके हृदय को जानने वाले और मनुष्य के रहस्य को न्याय के सिंहासन के सामने प्रकट प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मधु नीतू कच्छप से पूछता हूँ, क्या आपके बीच या विवाह ना हो ऐसा कोई सही कारण है? परमेश्वर जो सब रहस्य जानता है, उस प्रभु की उपस्थिति में कोई भी बात छिप नहीं सकती, और एक दिन हमें सब बातों के लिए हिसाब देना होगा। आप प्रभु की उपस्थिति में शांत रखकर अपने हृदय प्रार्थना पूर्वक जांचें। कोई ऐसा कारण है कि आप दोनों का शादी ना हो? ठीक ठीक तो बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं जी, आप लोग गवाह हैं, समझ रहे हैं, मार खाना है तो सब खाएंगे। ये दोनों कह रहे कोई ऐसा कारण नहीं है, नहीं तो बाद में फिर लफड़ा नहीं होना चाहिए, झगड़ा बाद में फिर हो जाता है कि ऐसा कारण है। हम पहले जानते हैं तो आपसे शादी नहीं करते, विवाह करने के लिए तैयार हैं? बोलना है तो हाँ मैं तैयार हूँ। दुल्हन से इस वाचा के अनुसार नीतु कच्छप, क्या आप बर मंगल कच्छप के साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं? लड़की का हाथ लड़के के हाथ में, लड़के का हाथ में मंगल कच्छप के हाथ में देता हूँ। ताली बजा के अपने विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करोगे कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहोगे? क्या तुम इससे प्रेम करोगे, इसका आदर करोगे, और जब तक तुम दोनों जीवित रहो अन्य सब को छोड़कर केवल इसी के प्रति विश्वास से बने रहोगे? तो आपको कहा, आपको कहना हाँ मैं ऐसा ही करूँगा, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। तो कच्छप, क्या तुम पर मंगल कच्छप को अपनी विधिवत विवाहित पति स्वीकार करोगे कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा अनुसार
विवाह की स्थिति में इसके साथ रहोगे, क्या तुम इससे प्रेम करोगी, इसका आदर करोगी, और जब तक तुम दोनों जीवित रहो अन्य सबको छोड़कर केवल इसी के प्रति विश्वास योग बनी रहोगी तो आपको कहना हाँ मैं ऐसा ही करूँगी, मैं ऐसे ही करूँगी। अब थोड़ा मैं दूल्हा मेरे पीछे पीछे कहेंगे ना, अब इनको देखना है, झगड़ा हो जाएगा समझ रहे ना, इनको देख के बोलना है। मैं मंगल कच्छप, मैं मंगल कच्छप, मैं मंगल कच्छप, मैं मंगल कच्छप, तुम नीतू कच्छप को, नीतू कच्छप को अपनी अपनी विधिवत विधिवत विवाहित पत्नी, विवाहित पत्नी स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, इसलिए इसलिए परमेश्वर की, परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार, पवित्र आज्ञा के साथ आज से, आज से लेकर लेकर जब तक, जब तक मृत्यु हमें, मृत्यु हमें अलग ना करे, अलग ना करे, दुख में और दुख में, सुख में, सुख में, धन में, धन में, निर्धनता में, निर्धनता में, रोग में, रोग में, आरोग्यता में, योग्यता में, जीवन की, जीवन की किसी भी, किसी भी परिस्थिति में, परिस्थिति में तुझे, तुझे अपना बनाए रखूंगा, अपना बनाए रखूंगा, तुझसे प्रेम करूंगा, तुझसे प्रेम करूंगा, तेरी शुद्धि लूंगा, तेरी शुद्धि लूंगा, और तुझसे, और तुझसे मिला रहूंगा, मिला रहूंगा, पिता पुत्र, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से, पवित्र कलीसिया को, पवित्र कलीसिया को, साक्षियों को, इन साक्षियों को, सदूतों को, इन सदूतों को साक्षी मानकर, साक्षी मानकर मैं वचन देता हूँ, वचन देता हूँ। मैं नीतू कच्छप, मैं नीतू कच्छप, तुम मंगल कच्छप को, मंगल कच्छप को अपनी, अपनी विधिवत, विधिवत विवाहित, विवाहित पति, पति स्वीकार, स्वीकार करती हूँ, करती हूँ, इसलिए, इसलिए परमेश्वर की, परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार, पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से, आज से लेकर, लेकर जब तक, जब तक मृत्यु, मृत्यु हमें अलग ना करे, हमें अलग ना करे, दुख में, दुख में, सुख में, सुख में, धन में, धन में, निर्धनता में, निर्धनता में, रोग में, रोग में, आरोग्यता में, आरोग्यता में, जीवन की, जीवन की किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में अपना बनाए रखूंगी, अपना बनाए रखूंगी, तुझसे प्रेम करूंगी, तुझसे प्रेम करूंगी, तेरी शुद्धि लूंगी, तेरी शुद्धि लूंगी, और तुझसे, और तुझसे मिले रहूंगी, मिले रहूंगी, पिता, पिता पुत्र, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, और पवित्र आत्मा के नाम से पवित्र कलीसिया को, पवित्र कलीसिया को, साक्षियों को, साक्षियों को एवं सदूतों को, एवं सदूतों को साक्षी मानकर, साक्षी मानकर मैं वचन देती हूँ, मैं वचन देती हूँ। उनका चालू देखो, नाम की महिमा बड़ाई प्रशंसा तेरी होने पाए मेरे अच्छे सच्चे परमेश्वर, आप महान है, कृपा है, तेरे उत्तार भलाई के लिए हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा प्रशंसा कार्य तेरी होने पाए। परिवार की स्थापना करने वाले परमेश्वर जीवन का सबसे सम्मानीय पद अर्थात पति पत्नी के रिश्ते में प्रवेश करने के लिए इस बेटे और बेटी को आपने आशीष दी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन दोनों ने आपकी उपस्थिति में आपस में जो वाचा बांधी है इसमें स्थिर रहने के लिए इनकी सहायता कीजिए। ये स्वर्गीय राज के हित में एक मसीह परिवार बनने और सच्चे गवाह बनकर कलीसिया में और अपने रहने के स्थान में उज्याला बनने पाए। ये प्रभु
इस विवाह के द्वारा इनके जीवन को जोड़ने वाले दोनों परिवार को आपके अनुग्रह में ढाल लीजिए। इनको हर एक काम में बढ़ोतरी देकर आपके नाम की महिमा कीजिए। हमारे माता पिता पर उंगली गई, सब आशीष इन दोनों पर बरसा दीजिए। हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से वर वधु को आशीष देते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। और उस समय खड़े हो जाएंगे। भैया ले लीजिए, इधर सामने से ले लीजिए भाई। आपकी अमानत भाई, आप लेके जाओ।